एक ऐसा देश जहां लोग खाते हैं मिट्टी की रोटी। तस्वीरें देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। तो पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सभी को जब भी भूख लगती है तो हम आटे की रोटी खाते हैं। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना बेहद आवश्यक होता है। लेकिन क्या आपने सभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां लोग आटे की नहीं बल्कि मिट्टी की लोई बनाकर उसमें नमक मिलाकर मिट्टी की रोटी खाने को मजबूर है। ये तस्वीरें देख कर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी और लोग अन्न की बर्बादी करते हैं, शायद वो ऐसा दोबारा न करे। दरअसल कैरिबियन सागर में स्थित हैती नाम का एक देश है जहां लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मिट्टी की रोटी खाते हैं। हैती के लोग पहाड़ी मिट्टी को वरदान समझते हैं। हैती में मिट्टी से बनी रोटियों को स्थानीय भाषा में ग्लेट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर लेप तैयार करते हैं जिसे धूप में सुखाकर खाते हैं, और हैती दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। बताते चले, हैती के लोग हमेशा से शोषण का शिकार रहे हैं। हैती में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया। हैती के लगभग 59% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। बता दें, जहां एक ओर हैती देश में गरीबी है, वहीं महंगाई भी सातवें आसमान पर है। देश में गेहूं जैसी बुनियादी सामग्रियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण हैती के सबसे गरीब लोग प्रतिदिन चावल की एक प्लेट भी नहीं खरीद सकते, और मजबूर गरीब लोगों को अपना पेट भरने के लिए हताश होकर मिट्टी से बनी रोटियां खानी पड़ती है, जिन्हें ये लोग मिट्टी से बनी कुकीज भी कहते हैं। हैती में राजनीतिक उत्पीड़न का भी बहुत लंबा इतिहास रहा है। लोगों में ज्ञान और शिक्षा की कमी है। कृषि क्षेत्र में भी यह देश काफी पिछड़ा हुआ है। हैती की निर्भरता सबसे ज्यादा आयात पर है। एक यह भी वजह है कि यह देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके अलावा इस देश के विकास को प्राकृतिक आपदाओं ने भी कहीं ना कहीं बाधित करने का काम किया है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।